नी अमाउंट ऑफ मनी विद मी तो पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे और आई फील जिसको भी बिजनेस चालू करना है बिना पैसों के बिजनेस चालू डेफिनेटली हो सकता है बट उसके लिए रोडमैप थोड़ा सा आपको अलग लेना पड़ेगा बहुत लोग ये चाहते हैं आपसे टिप्स चाहते हैं <laughs> कि हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस आई मीन कैसे बिल्ड करा जाए क्या चीजें दिमाग में होनी चाहिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए कितना पैसा लगाना चाहिए या पैसा नहीं भी हो तो भी आप कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हो <laughs> स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए <laughs> इसके बारे में थोड़ा बताओ आशीष आई स्टार्टेड आई आई डेंट हैव एनी अमाउंट ऑफ मनी विद मी सो पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे और आई फील जिसको भी बिज़नेस चालू करना है बिना पैसों के बिज़नेस चालू डेफिनेटली हो सकता है बट उसके लिए रोड मैप थोड़ा सा आपको अलग लेना पड़ेगा बिकॉज अभी क्या है ना कि कोई भी चीज़ बेचने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है सो so, बिकॉज ऑफ कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो हमें पहले अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि कैसे आपको उसको एक्जैक्टली बेचना है और उसका सिंपल सा रोड मैप है कि आप कंटेंट चालू करो अब आप खुद सोचो आजकल इंस्टाग्राम पे कोई कितनी नॉर्मल सी चीज़ कोई अभी आपने देखा था एक लेडी बहुत वायरल हुई थी पीछे सो ब्यूटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अब हाँ वो क्या कर रही है वो सिर्फ कुर्ता बेच रही है ना कितना नॉर्मल है ये काम हर शहर में हो रहा है ये काम बट उसका इतना ज्यादा क्यों चल गया बिकॉज उसने कॉन्टेंट की हेल्प से उसको बूस्ट करा सो so, को, कोई भी बिजनेस को अभी बूस्ट करना है ना तो आपको कंटेंट करना ही पड़ेगा या तो आप कोई ऐसी बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा फंडिंग ले ली तब तो ठीक है तब तो इट्स योर चॉइस या फिर कोई ऐसी चीज़ विच इज़ नॉट रिलेटेबल बट आई आई फील जितने भी लोग देख रहे होंगे दे वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग इन दिस स्पेस ओनली ऑनलाइन सो इसके लिए तो आपको कॉन्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंपनी सिक्स मंथ्स आफ्टर तो आपको कंटेंट अभी से चालू करना पड़ेगा उसको लोगों को सिखाना धीरे 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 करके चालू कर दो सो दैट इज व्हाट आई फील दैट इज द क्रक्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग अभी देन अ लॉर्ड ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर जैसे कि वही है कि या तो आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो इधर यू गिव अ फील ऑफ लग्जरी लाइक इधर यू फीड देअर ईगो और यू स्टार देअर ईगो ये तो ऐसा फील करा दो कि आपका प्रोडक्ट अगर उनके पास नहीं है सो दे आर इनकम्प्लीट या आप ऐसा फील करा दो अगर आपका प्रोडक्ट उनके पास है तो दे आर सुपीरियर देन अदर्स सो इन दो कैटेगरीज में इफ़ यू फॉल देन यू कैन बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्रांड अगेन आइडिया इज नथिंग इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट आइडिया अभी रोनाल्डो uh, की एक वीडियो वायरल हो रही है वेर इज टेलिंग एग्जैक्ट रोड मैप दैट दिस इज अव आई बिगेम रोनाडो क्या आप बन जाओगे I I can also say people, if I give you the exact road map, how can you be like me? क्या आप बन जाओगे? Never, because it's the execution part of it which matters the most. तो so idea हर idea I feel अच्छा होता है। मैं किसी से भी कोई business idea सुनती हूँ, तो मुझे ऐसे लगते हैं कि idea अच्छा है, but again execution is the main game. So execution में भी यार now आजकल what's USP? USP क्या होता है? कुछ selling price? <laughs> Unique selling proposition, Unique right? ये होता है USP, but नाउ इट्स नॉट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नाव इट्स यूनिक शो ऑफ प्रोपोजिशन क्या आपके प्रोडक्ट में ऐसा शो ऑफ फैक्टर है जिससे लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं सो शो ऑफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल डैट्स वाई एप्पल इज़ सो फेमस राइट बिकॉज इट कम्स विद द शो ऑफ सो ऐसी चीज़ें भी आपके बिजनेस में हो चाहिए देन यू ऑल्सो नीड टू इवॉल्व विद टाइम बिकॉज इफ़ यू डोंट इवॉल्व देन यू डिजोल्व सो अगर हम एक ही चीज़ ए, इन फैक्ट यूट्यूब सो यूट्यूब वॉज अर्ली ऑर अ डेटिंग साइट यू नो दिस

यूट्यूब स्टार्टड एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट फ्यू मंथ्स ही फाउंडर्स रियलाइज दैट दिज बुलश आई डे वोट वर्क एट ऑल सो दैन द फाउंडर अपलोडेड द फर्स्ट वीडियो इट वॉज समथिंग लाइक मी एट द जू और समथिंग लाइक दैट एंड उधर से यूट्यूब पिकड अपन दे इवॉल्व विद टाइम अब मैकडोनल्ड में पहले हम देखते थे मैगडी वाला जोकर बेटर रहता था अब वो जोकर कहीं नहीं है क्यों वो क्यों हट हाँ गया इट इज बिकॉज पहले जोकर के अराउंड नैरेटिव कैसा था हमारे माइंड में क्या एक फन बच्चों बच्चों को टॉफी देने वाला इंसान बच्चों के साथ खेलने वाला इंसान बट अब कैसी मूवीज़ बनी है जोकर के अराउंड जिसमें uh, कितना ज़्यादा यू नो हाँ वायलेंस दिखाया गया है जोकर को एक हॉरर एंगल से दिखाया गया है सो नाउ पीपल आर नॉट रिलेटिंग टू दैट जोकर सो दे आर इवॉल्विंग विद टाइम राइट एंड आई ऑल्सो फील कि जब आप एक ब्रांड बना रहे हो तो आपके ब्रांड की स्टोरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है सो so, इफ़ यू गो ऑन अ डेट और इफ़ यू गो एंड मीट योर फ्रेंड्स ऑन ब्रांच आप घंटों तक बातें करते रहते हो क्यों करते रहते हो बातें आप बोर नहीं होते क्यों क्योंकि यू एक्सचेंज स्टोरीज राइट अगर आप मान लो आप आज आप किसी डेट पर जा रहे हो आपने किसी इंसान से आधे घंटे बात करी आप आधे घंटे में ही जज कर लोगे दैट इज़ दैट पर्सन फॉर यू और नॉट कैसे जज करोगे उनकी कहानियों से तो कहानियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है राइट right? तो आपके बिजनेस की एक कहानी होनी चाहिए एक स्टोरी होनी चाहिए सो so, मेक योर स्टोरी साउंड सेक्सी आई बिलीव दै दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी, भी बिजनेस बिल्ड करो सो so आपका मोटिव बहुत ज़्यादा सेक्सी होना चाहिए उसके पीछे और आपको उसको डिलीवर अच्छे से करना आना चाहिए सो यू नो दिस ब्रांड औरियो और के पैकेट और बिस्किट्स के पैकेट से लग्जूरियस लगता है uh, एकदम ऐसे ब्लू कलर का यू you नो know, हम हमेशा ओरियो को एक ऊपर की नज़र से ही देखते हैं कि ये थोड़ा सा प्रीमियम बिस्किट है हम ओरियो को पार्ले जी की नज़र से तो नहीं देखते राइट बट यू नो ओरियो इज़ अ कॉपीड ब्रांड सो देर व बिस्किट ब्रांड नेम्ड हाइड्रॉक्स एंड हाइड्रॉक्स की कैसे टॉयलेट क्लीनर जैसा नाम है दो हाइड्रॉक्स बट हाइड्रॉक्स वॉज सेलिंग ऐसा दो ब्राउन बिस्किट्स के बीच में वाइट क्रीम वाले बिस्किट एंड उसके बाद uh, दे वर सेलिंग सो वेल सो वेल और दो तीन साल तक उन्होंने बहुत सेल्स करी बट देन औरियो केम सनशाइन बिस्किट्स नाम की कंपनी का ब्रांड है ओरियो एंड औरियो केम एंड दे कॉन्कर्ड द होल मार्केट उन्होंने क्या करा सेम चीज़ कॉपी करी पैकेजिंग ब्रांडिंग अपनी बेटर कर दी पोजिशनिंग अच्छी कर दी सो पोजिशनिंग ऑफ योर ब्रांड मैटर्स लॉट दैट इज़ वट आई फील प्लस एक और ट्रेंड है अगर आप किसी बहुत uh, ज्यादा चलते हुए ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ कर देते हो तो इट वर्क्स जैसे कि अभी पहले कुछ टाइम तक आपने हर लड़की को सुना होगा फेयर एंड लवली लगाते हुए है ना पॉन्ड्स फेयर एंड लवली ये सब क्रीम्स कितनी ज्यादा चलती थी क्योंकि तब क्या प्रमोट होता था कि आप जितने ज्यादा गोरे हो उतने ज्यादा सुंदर हो राइट बट अब जो लोग गोरे नहीं थे उनको ऐसे लगता था कि वो तो इस ब्रांड से रिलेट ही नहीं कर रहे ठीक है थीके? या इनफैक्ट इन क्रीम्स के इतने साइड इफेक्ट्स थे ये क्रीम्स बिल्कुल भी यू नो हेल्दी नहीं थी फेस पे लगाना लोगों को इनसे दिक्कतें होती थी सो so देन अब ये मामा अर्थ और ये सारी चीजें आई इन्होंने अगेंस्ट बिल्ड करा कि नेचुरल प्रोडक्ट नैचुरल चीजें यू नो हाइड नथिंग बी कम्फर्टेबल इन यूर ओन स्किन तो ये सारी चीजें आई बी मिनिमलिस्ट मामा अर्थ और ये सारी चीजें so सोनाओ इनका भी इतना ट्रेंड चल गया सो इफ यू बिल्ड समथिंग अगेंस्ट द ट्रेंड इन दैट इज ऑल्गज गुड्सिंग